राहुल राखियां, राहुल भैया राखी वाले स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता, मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमो ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू से सत्कार लॉज के पास दमो, एक बार अवश्य पधारें। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमोह। दमोह में तेज बारिश के बीच भीगते हुए हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये आंदोलन जिले में बिक रही अवैध शराब और जिले के SP के खिलाफ हुआ। दरअसल ये लोग एक धार्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग थे। ये संगठन लंबे समय से नशे के खिलाफ मुहिम चला रहा है। कई सालों से इस संगठन के लोग जिले में बेची जा रही अवैध शराब को पकड़कर पुलिस को सौंपते आ रहे हैं और इस दौरान कई बार विवाद के हालात भी बने तो कई घटनाएं भी हुई। इन तमाम बातों को देखते हुए इस गतिविधि को कानूनन गलत माना गया और SP दमोह ने इस काम को बंद करने के निर्देश दिए हैं। SP सुरुतकीर्ति सोमन सिंह ने साफ कहा है कि अवैध शराब की बिक्री या सप्लाई की सूचना संगठन के लोग पुलिस को दें, पुलिस शराब पकड़ेगी, न कि संगठन के लोग। नियम भी यही कहते हैं, लेकिन सालों से ये सब करते आ रहे संगठन के लोगों को ये सब रास नहीं आ रहा और जिले भर में फैले हजारों कार्यकर्ता इस बात से खफा हैं। आज तेज बारिश के बावजूद भी भीगते हुए संगठन के लोगों ने शहर की सड़कों पर SP के खिलाफ नारेबाजी की और अवैध शराब के कारोबार की खिलाफत की। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। आंदोलनकारियों ने CM के नाम एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा। इस दौरान इन लोगों ने SP के खिलाफ भी नारेबाजी जाहिर करते हुए संगठन के लोगों पर दर्ज किए हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी कि यदि मुकदमे वापस नहीं हुए और SP को नहीं हटाया गया तो 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। बारिश के बीच प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, बाहर हम लोग गुरुदेव जी का आदेश हुआ तो बारिश हो चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम लोग को ज्ञापन देना था, ज्ञापन देने आए। हम लोगों की मांग 3-4 मांगे हैं। हम लोग की प्रमुख मांग है कि दमोह पूरे जिले से अवैध शराब जो गाँव में जा रही है उसको बंद होना चाहिए। दूसरी मांग है कि अगर अवैध शराब जो जा रही है गाँव में, हमारे समूह के कार्यकर्ता उसको पकड़ते हैं या पकड़वाते हैं तो पूछा देते हैं। हमारे जो सम्मान SP महोदय जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था अपने कर्मचारी अधिकारी से कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप FIR नहीं करेंगे, जो कि एक हम लोगों का अधिकार है, कर्तव्य हर नागरिक का कि उसको गलत काम तो अनिगल काम होता है उसको रोकना चाहिए। हम लोग रोक रहे तो इन्हें स्पष्ट आदेश रखकर रखा तो उसको हम वापस करना चाहते हैं और हम लोगों के संघ के कार्यकर्ताओं को जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन फर्जी मुकदमों को वापस करवाना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 21 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना होगा। आप लोग मामले बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या कारण? जब से दमोह में नए SP आए हैं, वे हम उनों पे झूठे मुकदमा लदवा रहे कि तुम दारू में पकड़ो। जब हमें दारू पकड़ने को अधिकार नहीं है तो उन्हें अवैध बेचने को अधिकार कहाँ से? गांव-गांव अवैध शराब बिक रही, माताएं बहनें परेशान हैं। आज पहले शराब इतनी नहीं बिकती थी, मेरे गांव में कभी शराब नहीं बिकी, इनकी दम पे आज 3 जगह शराब बिक रही। ये मनोबल बढ़ा दिया इन अवैध शराब वालों का, शराब माफियों का इन्होंने मनोबल बढ़ा लिया, इसलिए हम लोगों की नहीं चल रही अब इनके ऊपर। इन अवैध शराब बिकवा रहे गांव-गांव, यदि इनने हमारी बात नहीं मानी अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे। आज पानी बरसत में आए, आगे भी बरसे तो भी भगवती मानव कल्याण संगठन नीचे आने वाला नहीं है। भारत
अब कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ, क्या कुछ कारण रहा? आज भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा अवैध शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि ये अवैध शराब की बिक्री को बंद किया जाए। इससे समाज का जो पतन हो रहा है उससे समाज को बचाया जा सके एवं समाज का कल्याण हो सके। धन्यवाद। राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका।